आकर्षित हो गई है। तो 20 राउंड के यहां पर मतगणना हो रही थी, 20 राउंड में देवली उनियारा में बीजेपी यहां पर काफी स्ट्रांग स्थिति में, मजबूत स्थिति में उभर कर सामने आई और नतीजा आपके सामने है। देवली उनियारा में भाजपा को बंपर जीत मिली है, क्या इसके पीछे के कारण होंगे इस पर भी अभी तफसील से बातचीत करेंगे। लेकिन बड़ी ऐतिहासिक जीत देवली उनियारा में बीजेपी की, जहां पर नजर सबकी बनी हुई थी। निर्दलीय प्रत्याशी इनके ऊपर भी काफी ध्यान गया था, ये भी चर्चा का केंद्र बने हुए थे। वही एक और खबर आ रही है, खेवसर सीट पर भी बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, खेवसर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो एक के बाद एक सीट बीजेपी के नाम हो रही है और यहां पर कनिका बेनीवाल आरएलपी की प्रत्याशी हार का स्वाद चख चुकी है। यहां पर करोड़ मरो वाली स्थिति कनिका बेनीवाल की बनी हुई थी, आरएलपी का गढ़ ये सीट मानी जाती है। यहां पर जरूर निराश किया है प्रत्याशी ने, जहां पर आपको बता दें कि भाजपा के रेवंत रामडांगा जीत चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, खेवसर में भी आरएलपी हारी है, बीजेपी ने यहां पर बतौर हार का करारा स्वाद चखाया है। तो बीजेपी प्रत्याशी खेवसर से भी जीत दर्ज कर चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मनराज गुर्जर पॉलिटिकल एक्सपर्ट मौजूद हैं। सर, आपके तजुर्बे का इस्तेमाल यहाँ पर करूँगे, उसके बाद हमारी बीजेपी नेता के पास आऊँगी, नेत्री के पास आऊँगी। तो यहाँ पर सर, सबसे पहले आपसे जानती हूँ, अब एक के बाद एक जो सीटें हैं वो बीजेपी अपने नाम कर रही है। कई सीटों पर अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी की स्थिति मजबूत है, तो कई अप्रत्याशित तौर पर हमने जीत देखी यहाँ पर, तो क्या कुछ इसके पीछे वजह हो सकती है? देवली उनियारा की बात करूंगी, खेवसर में देखा जाए तो यहाँ पर आरएलपी की स्थिति मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन जीत कर बतौर छीन कर ये सीट ले गई, क्या वजह? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार करूंगा। स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से ये चुनाव लड़ा, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के ये एक साल के कार्यकाल में और दिल्ली में खुद को स्थापित करने वाला चुनाव था। ये दिखाने का चुनाव था कि देखिए, मेरे नेतृत्व में मैंने चीजें संभाल ली हैं, जो राजस्थान पर की मेरे ऊपर एक नौसिखिया मुख्यमंत्री का जो टैग शुरुआत में लगाया गया वो मैंने संभाल ली है। दूसरी बात, आप देखिए बीजेपी का मैनेजमेंट, बीजेपी ने गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के बेटे का टिकट काट दिया और वहां से राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया। देवली उनियारा की मैं बात कर रहा हूँ, आप देवली उनियारा के गांव गांव में जाओगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर राजेंद्र गुर्जर इतना फेमस व्यक्ति है। मैं क्योंकि टोंक से मैं हूं और टोंक से सटा हुआ इलाका है देवली उनियारा, तो वहां पर कई सारे बच्चों को भी अगर राजेंद्र गुर्जर को एक फोन कर देते हैं तो राजेंद्र गुर्जर तुरंत उनको जवाब देते हैं। और आप यकीन मानिए, राजेंद्र गुर्जर इतना पॉपुलर कैंडिडेट उनका था कि वहां पर जनता जो मतलब लोगों में जो है बस राजेंद्र गुर्जर के प्रति अलग ही दीवानगी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको महसूस किया, भले ही विजय बैसला जी चुनाव में नहीं गए, प्रचार भी नहीं किया, मुख्यमंत्री का मंच भी साझा नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने बड़ा कदम लिया और जितना उनके पास फीडबैक थी कि राजेंद्र गुर्जर सीट निकाल सकते हैं, आप देखिए 40,000 से वह चुनाव जीते हैं। दूसरी बात, क्यों सर की हम करते हैं, क्यों सर में इस बार ये त्रिकोणीय मुकाबला तो हम नहीं कहेंगे, इसको हम दोहरा मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि देखिए गजेंद्र सिंह क्यों सर ने एक बयान दिया कि अगर बीजेपी हार गई तो मैं अपने मूछें और बाल मुड़वा लूंगा। आप समझ सकते हो इसका बयान का मतलब, ये वहां के लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया और उस समय बीजेपी की तरफ थोड़ा और ज्यादा माहौल बन गया और बीजेपी ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा खेवसर का, मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं इंटरनल सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को रहा है, क्योंकि जो कैंडिडेट उतारी गई उस कैंडिडेट इतनी फेमस नहीं थी, उनके पति जब तक उनको टिकट दिया गया कांग्रेस की तरफ से तब तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, उसके बाद
वह इस्तीफा देते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का जो बूथ मैनेजमेंट है, बीजेपी का कार्यकर्ताओं के साथ जो मेहनत करने का तरीका है, प्रदेशाध्यक्ष, उसकी टीम, कई सारे मंत्री, कई सारे विधायकों को जो लगाया है, मुझे लगता है कि 4 सीटों पर बैजनलाल शर्मा जी ने ये स्थापित कर दिया है कि भाई राजस्थान को मैं संभाल सकता हूँ, राजस्थान की राजनीति को मैं समझ गया हूँ। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर, जो वहां पर ब्राह्मण मतदाता मैन होते हैं और खुद क्योंकि मुख्यमंत्री ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो वह उस सीट को हारना कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क तो लगता है कि क्या मुख्यमंत्री खुद ब्राह्मण समुदाय से होकर उन मतों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करवा पाए, क्योंकि वहां से डीसी बेरवा चुनाव जीते हैं। तो लगता है फिर भी मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों के साथ स्वयं को साबित कर दिया है और ये अच्छी खबर बीजेपी के लिए कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी कहां पर है ये देखने वाली बात है। नरेश बिल्कुल मीणा अच्छी जब बात है, निर्दलीय, बड़ी बात भी है। और जैसा आपने कहा, कांग्रेस को पुनः विचार करना चाहिए, क्या वो रॉयल स्टेटस जिसे कांग्रेस एक लंबे वक्त से लेकर चल रही है, या ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, मिसमैनेजमेंट कह लीजिए, प्रसार प्रचार भी नहीं देखा गया, एक यहाँ पर क्षेत्र में सिमट कर नेता प्रतिपक्ष रह गए। रामगढ़ की बात की जाए, अशोक गहलोत को महाराष्ट्र में लगा दिया गया, सचिन पायलट यहाँ पर नहीं दिखे, तो इसका ही खामियाजा शायद ये दिख रहा है। इसके अलावा जी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं दूसरे मेहमान पे जाऊंगी। जी देखिए वही बात है, कांग्रेस पार्टी में क्या है ना, सब आलाकमान है। कांग्रेस पार्टी में एक गाइडेड लाइन नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यही है। और कांग्रेस पार्टी में जो जिस गुट का नेता है, वह उसको ये कर दिया जाता है, आप उसको चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुला सकते। आप, मैं बता दूं, 200 सीट जो कांग्रेस पार्टी ने जीती है वह सचिन पायलट की वजह से जीती है, क्योंकि सचिन पायलट ने वहां पर तकरीबन 30 रैलियां की है। और ये छोटी मोटी रैलियां नहीं होती है, ये बड़ी रैलियां हैं। सचिन पायलट का जो वहां पर मैनेजमेंट था वह वहां पर काम आया। लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी का यही है, अभी चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अगर आपके यहाँ होते तो एक ही लाइन बोलते, हम आत्ममंथन करेंगे, और आत्ममंथन करने के बाद वो वापिस सेन कक्ष में जाते हैं और ऐसे सोते हैं कि चुनाव के समय वो आते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर बूथ मैनेजमेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, जब एक बड़ा कद्दावर नेता है वो भी एक जगह तो सिमट कर रह गया है, ये यहाँ पर थोड़ा चिंता का विषय है। अच्छा, बधाई देती हूँ आपको, बीजेपी यहाँ पर जीत गई है, कई सीटों पर जीत बनाए हुए है। जी बीजेपी से ये मेरा सवाल है, यहाँ पर बीजेपी कई सीटों पर बढ़त भी बनाए हुए हैं, तो वही कई सीटें ऐसी हैं जिसको बीजेपी अपने नाम कर चुकी है। बधाई आप। सारिका जी, मैं सुनिश्चित कर लूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जी, निश्चित तौर पे बीजेपी के पास खोने को तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से पाया भी है। 1 सीट के छोड़ के हमें, हम लोगों को जो है 4-5 सीटों पे, जो राजस्थान की जनता ने हम सिर मोड़ रखा है, राजस्थान की जनता को दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि इन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो जो काम सरकार ने और संगठन ने मिलकर किया उसको धरातल के ऊपर लेके आए, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि पिछली सरकार ने राजस्थान को जिस तरीके से गर्त में छोड़ा था, वहां यहाँ की इन विधानसभा के क्षेत्र की जनता ने बखूबी इस चीज को देखा भी है। और मुख्यमंत्री जी के निरंतर प्रयास से, प्रवास से, विकास से और इन्हीं कामों को देखते हुए इन विधानसभा क्षेत्र के अंदर राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुत अच्छी ऐतिहासिक जीत देखी है। एक बात आपने और भी देखी होगी कि जो जीत का आंकड़ा आपने देखा, 42,000 का, 40,000 का, ये जो इतनी बड़ी बढ़त मिली है, ये वहां की जनता ने मन पहले से ही बना लिया था कि राजस्थान के अंदर जो उन्होंने इन विधानसभाओं में गलती की थी उस गलती को दोहराना नहीं है और अपने का विकास का जो पुनिंदा उनको उठाना है, डबल इंजन की सरकार से अपने विधानसभा क्षेत्र में जो काम कराना है उसी चीज को देखते हुए और जो है वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, जो प्रत्याशी को, अच्छे बहुमत से जो जिताया है, वास्तव में वो एक सैल्यूट के मैं देती हूँ कि राजस्थान की जनता ने पूरा विश्वास जो है इन 7 विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है हम लोग को दिखाया। बढ़त में कहीं कोई कमी नहीं आई और पार्टी ने इस चीज को देखा भी है कि हम लोगों का जो है बूथ मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, संगठन से एक से छोटे कार्यकर्ता को साथ लेके जो चलने की हम लोगों में वो बेखूबी, वो बातें जो हम लोग करते हैं उसको धरातल पर उतारते भी हैं और यही कार्यकर्ताओं ने वहां पे दिन रात मेहनत करके
वहां की जनता के मन को जीता और वहां की जनता में इस चीज को आभास भी दिलाया कि हम एक हैं तो सेफ हैं। वह नारा भी निश्चित तौर पर इन चुनावों में राजस्थान की जनता को देखने को भी मिला। बिल्कुल, यह काबिले तारीफ है जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट देखा गया है। बीजेपी का यही नहीं, हर चुनावों में हर राज्यों में इस तरह का प्रदर्शन है, ये काबिले तारीफ है। और कांग्रेस को ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए, एक हेल्दी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन इसके अलावा अभी एक बयान सामने आया है, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं जो कि हार चुके हैं दौसा से, बतौर अभी कहते हैं कि भीतर घात है और शायरी भी करते हैं कि अपनों से क्या कहें जब बेवफा निकले अपने। दोनों की टिप्पणी चाहूंगी, पहले सारिका जी आपकी टिप्पणी चाहूंगी, उसके बाद सर आपके पास आ रही हूं। जी, भीतरघात है क्या? नहीं, भीतरघात वाली ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर प्रत्याशी ने ऐसी बात बोली है तो पार्टी इस चीज को ध्यान में लेके। माफ कीजिएगा, आपके पास दोबारा आ रही हूँ। उपचुनावों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज आप तक साझा करें, जहां सलूमर सीट पर भी बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सलूमर से बीजेपी की शांता देवी जीत दर्ज कर चुकी है, तो वही बीजेपी प्रत्याशी जितेश कटारा की हार हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सलूमर से भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। यहां पर चिंता मनन की बात ही नहीं रह गई है, जो भी चिंता का विषय बने हुए थे उस हर सीट पर आखिर में जो एक नाम जीत कर सामने आ रहा है वो बीजेपी है। क्योंकि अभी तक जो कांटे की टक्कर बनी हुई थी 16वें राउंड तक, यहां पर 15,000 के वोट के गैप से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे थे। उसके बाद जो ये वोट का गैप रहा, वोटों का अंतर रहा, वो 5,000 पे आया। लेकिन आखिरी कुछ राउंड में देखिए कितना बड़ा उलटफेर हुआ है। सलूमबर सीट जो कि बीजेपी का गढ़ है, वो वहां पर एक बार फिर से अपना परचम लहराने में सफल साबित हुई है। यानी कि उस वोट के गैप को पार्ट लिया गया है और जीत भी दर्ज कर ली है। सलूमबर से बीजेपी की शांता देवी जीत दर्ज कर चुकी है। और यहाँ पर ये काफी जरूरी भी था, क्योंकि बड़े सवाल यहाँ पर उठते तो चलिए एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करेंगे। यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है, सलूमबर सीट में भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। सर, यहां पर जो चिंता का विषय था, या फिर जिस एक जगह पर बीजेपी को घेरा जा सकता था कि बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली सीट को एक क्षेत्रीय पार्टी ने बड़े आराम से ले लिया, वो भी यहाँ पर कुछ कहने का मौका नहीं दिया है, एक बार फिर से जीत दर्ज कर ली है। इस पर चाहूंगी टिप्पणी और एनालिसिस भी चाहूंगी। जी सर। जी देखिए, जो सलूमबर सीट है, वो सीट भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा है वहां पर, और वह परंपरागत तौर पर उनकी सीट मानी जाती है, सांसद भी उनका राजकुमार रोहत है वहां से। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, उनके कार्यकर्ताओं की मेहनत, मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता, ये देखने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब राजस्थान का उपचुनाव हो रहा था, तो मैंने देखा कि राजस्थान के उपचुनाव में चाहे विधायक हो, कार्यकर्ता हो, जिला अध्यक्ष हो, उन लोगों ने जिस प्रकार से मेहनत की है, कार्यकर्ताओं के अंदर जागरूकता और विषम परिस्थितियों को सम कैसे बनाया जाता है और हार कर चुनाव कैसे जीता जाता है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से तैयार किया है उसका यह परिणाम है। तो सलूमबर की जो सीट है, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे की मुस्कुराहट को और बढ़ा देगी, और अब ये साबित करने में कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान ने वसुंधरा राजे जी के बाद भाजपा में दूसरा नेतृत्व अगर कोई आया है तो भजन लाल शर्मा जी के तौर पर आया है। इससे पहले आप दौसा सीट पर कुछ कमेंट चाह रहे थे, मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा। देखिए, दौसा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी, इस पर कई कारण है। मेन कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ टिकट बंटवारे में बहुत जल्दबाजी की। जल्दबाजी इसलिए क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जी बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके थे, और वह एक तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स उनकी थी अपने भाई को राजनीति में लाने का। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस समय एक तरीके से वो सीट बेसिकली उनको देना नहीं चाहती थी, क्योंकि देखिए उनका भतीजा ऑलरेडी एमएलए है,
वो खुद एमएलए मंत्री हैं, तो एक पारिवारिकवाद की एक धारणा जो लगातार फैल रही थी बीजेपी और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो, प्रदेश नेतृत्व तो उसके खिलाफ रहता है। लेकिन क्योंकि वो बहुत दिनों से नाराजगी थी और राजस्थान में मीणा समुदाय का एक बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है, तो इसको संतुलित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देवली उनियारा से राजेंद्र गुजर को टिकट दे दिया और इधर से जगमोहन मीणा जी को टिकट दे दिया, जो उनका एक बहुत बड़ा फेलियर था। क्योंकि वहां ब्राह्मण वोट बैंक को लगा मुख्यमंत्री जी को कि वो अपनी तरफ ले लेंगे, अपनी तरफ साध लेंगे, लेकिन वो ब्राह्मण वोट बैंक उनका नहीं आया। और दूसरा फैक्ट, वहां पर जो गुजर वोट था, वो गुजर वोट सचिन पायलट ने 30 से ज्यादा रैलियां करके डीसी बेरवा के समर्थन में कर दिया। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उस समय वहां के जो सांसद हैं, पहले विधायक थे मीणा साहब, उनका बयान भी आया कि मैं बड़ी मेहनत करके लाया हूं, मेरी इज्जत मेरी सम्मान का ध्यान रखना। तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर किरोड़ीलाल मीणा जी के मोह में फंस गई, उनको मनाने के मोह में फंस गई। और मुझे लगता है कि यही कारण रहा कि दौसा सीट पर वह जो मैनेजमेंट, चाहे जाति फैक्टर का मैनेजमेंट रहा हो, चाहे कार्यकर्ताओं को संतुलित करने का और अपने कोर वोट बैंक को संभालने का मैनेजमेंट रहा हो, वह ठीक से संतुलित नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी अच्छा प्रदर्शन है और सलूमर की सीट कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट तो ला ही देगी। बिल्कुल सारिका जी, आपके पास आ रही हूँ, टिप्पणी चाहूंगी भीतरघात वाली बात पर भी जो मैंने आपसे पूछी थी। इसके अलावा एक बार फिर से शुभकामनाएं, देखिए एक के बाद एक सीट आप तक पहुंच रही है और जो शुभकामनाओं की झड़ी है वो रुक नहीं रही है, क्योंकि साफ है वो कॉन्फिडेंस जिसके साथ ये दावा किया गया था कि यहाँ पर 7 सीटें जीतेंगे, चलिए एक आध सीट गई भी है, लेकिन एक के बाद एक जो प्रत्याशित तौर पर नतीजे सामने आ रहे हैं, ये उस कॉन्फिडेंस को सूट करता है। जी बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस को करता है, ये हमारा विश्वास, अति विश्वास है, क्योंकि इस 11 महीने के कार्यकाल के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे संकल्प पत्र के अंदर जो वायदे किए थे राजस्थान की जनता को, उसको कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जो किया है, और उसी का परिणाम है कि आज हम इतनी बड़ी लीड से जो है इन विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग जो जीते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि पिछले कार्यकाल का तुलना करें, इस वर्तमान के 11 महीने के कार्यकाल की तुलना करें, तो आपने देखा होगा कि राजस्थान की जनता ने इस 11 महीने के अंदर नित्य प्रतिनिधि, आप लोग समाचार पत्रों के माध्यम से और न्यूज चैनलों के माध्यम से भी राजस्थान के युवा इस चीज को देख रहे हैं कि नित्य जो है नई भर्तियां निकल रही है, इतने बड़े जो 20,000 करोड़ से ऊपर जो बड़े एमओयू हुए हैं राज्य राजस्थान को लेकर, वो भी ठीक, माफ कीजिए सारिका जी, वक्त का ही कुछ ऐसी दरकार सामने आ रही है, आपके पास आऊंगी वापस। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है यहाँ पर रिजल्ट को लेकर, जहाँ उपचुनाव के रण में बीजेपी बाजी मार चुकी है, तो निर्णायक जीत इसे कहे, जहां झुंझुनू में बीजेपी के राजेंद्र बाबू ने जीत दर्ज की है, 21 साल बाद झुंझुनू में कमल खिला है, इस बात पर गौर कीजिएगा। जहां खेसर के बीजेपी प्रत्याशी रेवत राम डांगा जीते हैं, खेसर में भी जीत दर्ज हुई है, सोनोमर में बीजेपी की शांता देवी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, काफी जरूरी भी, और उपचुनाव के रण में अब जो बीजेपी है वो बाजी मार चुकी है, इस पर भी तफसील से बात करूंगे। लेकिन उससे पहले सारिका जी एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं, अपनी बात पूरी कीजिए। एक बार फिर से अपने मेहमानों से जुड़ने का की कोशिश करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, जहां देवली उनियारा से भी बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर जीते हैं, और देखिए जो आंकड़े हैं, जो फैसले हैं, वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाले भी हैं और विश्वास मानने वाले भी हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो दावा किया था उस पर लगभग बीजेपी खड़ी उतरी है, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस के हाथ यहाँ पर एक ही सीट लगी है और यहां पर कम में ही कांग्रेस को गुजारा करना पड़ेगा। सारिका जी आपके पास रुक करूंगी, आप अपनी बात पूरी करें, इसके बाद यहां पर बीजेपी का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है उस पर तफसील से आगे बात करूंगी। जी सारिका जी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रही थी ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था, राजस्थान के अंदर पहली बार 7 बड़े जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसको राजस्थान प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की भी कहीं ना कहीं निगाहें टिकी हुई थी कि पहली बार मुख्यमंत्री बनाए हैं तो
क्योंकि बड़ी विपक्ष के द्वारा जो है कटाक्ष कसा जा रहा था हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर, और मुख्यमंत्री जी ने उनकी बातों को और नजरअंदाज करके राजस्थान की जनता के अंदर एक अपना विश्वास बनाया, और मोदी जी की जो गारंटियां और नीतियां हैं वो देश की जनता ने और राजस्थान की जनता ने इसको बेखूबी देखा। आपने देखा कि इतना बड़ा जो राजस्थान में पेट्रोल और डीजल थे उसका वैट कम किया, ईआरसीपी हो, यमुना जल समझौता हो, 450 रुपए में गैस का सिलेंडर हो, जो इस तरीके की योजनाएं जो संकल्प पत्र के अंदर थी उसको धरातल पर उतारने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया, और राजस्थान की जनता ने उस चीज को अपनाया भी है, और इसी के परिणाम स्वरूप इन चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा रिजल्ट मिला। और मैं दूसरी बात ये भी कहूंगी कि कांग्रेस ने तो अपनी हार मान ही चुकी थी। आपने देखा अभी पिछले 2 दिन पहले गांधी परिवार पूरा का पूरा आया हुआ था, जश्न मना रहा था, पार्टी मना रहा था, उनको पूरा था कि हाँ ना तो महाराष्ट्र में बीजेपी आने वाली है और ना ही राजस्थान के अंदर उनको बहुमत मिलने वाला है। तो ये जो चीज थी ये पिछले दिनों देखी गई थी, और जिस तरीके का वातावरण कांग्रेस के लोगों ने बनाने का कोशिश किया कि भय की राजनीति, डराने की, धमकाने की, जिस तरीके डोरसरा के जो बयान आ रहे थे वो भी राजस्थान की जनता ने उसको सुना, और उन सब बातों को नकारते हुए जनता ने अपना मन बना लिया था। जैसे कि अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे थे कि जो जो बात को हमारे मंत्री जी ने बोली थी खीम सब चुनावों के अंदर, और वहां की जनता ने उस बेखूबी उस बात को अपनाया और अपना मन बनाया कि रेवत राम जी लगातार जो है वहां की जनता से संपर्क में रहे, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने बूथ में जाकर बूथ के लोगों से संपर्क किया, और उन्हीं के परिणाम स्वरूप ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं इसमें एक कोई 1000 या 500 की जीत नहीं है, 42,000 से वोटों से जीतना, और कांग्रेस तो कंपटीशन में नजर नहीं आ रही, 30 नंबर पे रह जाना तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपना ये देखने वाली बात है। कई ऐसी जगह थी जहां पर जो कांग्रेस है जो मजबूत स्थिति बता रही थी खुद की, और देखने वाली बात ये रही कि वो तीसरे स्थान पर रही है, तीसरे पायदान में रही है, जो कांटे की टक्कर नेक टू नेक फाइट कही जा रही थी बीजेपी कांग्रेस के बीच में, वो भी कहीं जगह पर नहीं देखने को मिली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तफसील से चर्चा के लिए। तो वहीं अब यहाँ देवली उनियारा में बीजेपी की बंपर जीत के बाद राजेंद्र गुर्जर बीजेपी के प्रत्याशी जो जीत दर्ज कर चुके हैं क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाए। की जीते आम जनता की जीते, मैं तो इसी में प्रसन्न हूँ कि सब लोगों ने जिस तरह चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उम्मीद से ज़्यादा मत दिए मेरे को, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम में सभी आमजन को, आम कार्यकर्ताओं को, सबको, पूरी देवली उनियारे की जनता को और प्रत्येक से प्रत्येक सबने जो सहयोग किया उन सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार इस परिस्थितियों में भी इतने वोट दिए मुझे। जनता ने आपको जिताकर ये बता दिया है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, जिस तरीके का कांड समरावता में हुआ था। नहीं, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, वो एक कानून न्याय संगत तरीके से कहना चाहिए, सभी को उसकी पालना करना चाहिए, उसमें आप भी हैं, हम भी हैं, सबके लिए कानून बराबर है और हमारे जो संविधान के अनुसार हमें चलना चाहिए ताकि हम आम लोगों की सेवा कर सके और सबको न्याय दिला सके। क्या इस थप्पड़ कांड से बीजेपी को फायदा होगा? हम फायदे नफे के लिए ही काम नहीं करते, हम तो हमारी सेवा का काम है, हमको जनता चुन के भेजती है और हमारा फर्ज बनता है कि उन लोगों के जो जिन्होंने हमको चुन के भेजा है उनके उनके विश्वास पे खरा उतरें, वो हमसे अपेक्षा करते हैं, उनकी अपेक्षा के ऊपर खरा उतरें, वो हमें बताते हैं जो करें ताकि उनको ये महसूस हो कि हमारा प्रतिनिधि सही चुन के हमने भेजा है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारी प्राथमिकता जो केंद्र की योजनाएं चल रही है, राजस्थान सरकार की योजना चल रही है, उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का हमारा लक्ष्य रहेगा कि आम आदमी तक वो योजना पहुँचे, उसका सही जगह उपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो, भ्रष्टाचार कम हो, ख़त्म हो, और अच्छे जो हमारे लोग वंचित है अब तक सरकारी योजना से उनको लाभ दिलाएंगे, और जो जो परेशानियां हैं क्षेत्र की जिसमें सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सब क्षेत्र में काम करेंगे, चहुंमुखी विकास करेंगे देवली उनियारा का। जिन लोगों का नुकसान हुआ है आगेनी में उनको मुआवजे की मांग करेंगे आप? सरकार और हमारे प्रतिनिधि गए हैं, हमारे मंत्री जी गए हैं, वो चर्चा कर रहे हैं, जो भी सरकार की योजना सरकार जो भी तय करेगी वो सरकार को तय करना है। आपको कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी चुनौती अब रहने वाली है, जिस तरह से पूरा समरावता कांड हुआ उसके बाद जो हुआ उसको लेकर क्या? अचानक कई बार हो जाती है गड़बड़, ऐसा कुछ भी नहीं है, कानून व्यवस्था अपनी जगह सही है, सब लोग काम कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है, आमजन अपना काम कर रहे हैं, सब लोग मिलकर काम करेंगे क्योंकि कानून आम आदमी सब हम एक ही हैं, एक ही पार्टी हैं, सब मिलके काम करेंगे, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, शांति रहे, इसके लिए हम सब सहयोग करेंगे। 10 साल के बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ है, जिस तरीके से देखते हैं क्या मायने निकालते हैं जी? अपेक्षाएं ज़्यादा है लोगों की क्योंकि कभी परेशान रही है हमारी सरकार के रहते हुए हमारे विधायक नहीं रहे, अब सबको उम्मीद है
कि हमसे ज़्यादा अपेक्षाएँ और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को किस तरीके देखते हैं? बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सबको सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय संगत काम करेंगे, गरीब को गणेश मानकर सेवा करेंगे, नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये हमारा उद्देश्य है। आप लगातार कहते रहे कि सरकार चुनाव लड़ रही है, ऐसे में आपकी जीत कहीं ना कहीं सरकार के काम पर मुहर है? देखो सरकार के प्रतिनिधि हैं जो भी हैं वो भी हमसे बन के जाते हैं, जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं या उप मुख्यमंत्री जी हैं या मंत्री हैं, तो सब एक ही पार्टी है, सब लोग हम मिलकर काम करते हैं और सब लोग ये चाहते हैं कि आम आदमी का विकास कैसे हो, आम आदमी आगे कैसे बढ़े, आम आदमी को कैसे सुविधा पहुँचे, कानून व्यवस्था बनी रहे, सब लोग आराम से रहें, आनंद से रहें। इस जीत का श्रेय किसे दें? आम जनता को, जिन लोगों ने मेरे को विधायक हुए, हमारे कार्यकर्ताओं को और सब आप लोगों को भी, क्योंकि आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको भी धन्यवाद देता हूं, मेरी बात आपने आम जन तक पहुंचाई और उन्होंने मेरे को खुद मत और समर्थन देके और विधानसभा में पहुंचाएंगे, सब धन्यवाद के पात्र। मैं कुछ नहीं चाहता, जनता जो चाहती है वो करता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण कहलाए, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं जो वो कहते हैं वही सोच, उनके लिए जिनकी उनकी खुशी में हमारी खुशी, आमजन की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, हम तो सबको मुस्कुराते देखना चाहते हैं, खिलते हुए देखना, प्रेम से रहें, एक दूसरे के आनंद में रहें, एक दूसरे की मदद करें, सब मिलकर काम करें, यही हमारा। अगर ऐसा उपद्रव होता है तो ऐसे उपद्रवियों को लेकर कितने संकल्पित हैं कि? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई उपद्रव नहीं होता और सब मिलकर काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे, उपद्रव कहाँ से, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा उपद्रव कहीं होगा भी नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, हम तो सब मिलकर काम करते हैं और आमजन के लिए काम करते हैं, उसकी सुविधा के लिए काम करते हैं, उनको किस प्रकार उनको न्याय मिले और न्याय संगत हो, हर काम न्याय संगत होना चाहिए, आम आदमी को न्याय मिले, आम गरीब